अभी मैं आपको रीकैप थोड़ा सा पिछला वाला जो है हमने कवर किया है अभी तक, उसको हम थोड़ा सा रीकैप कर रही हैं, समराइज़ कर रही हैं, और हम अभी आज का लेक्चर अपना फिर शुरू करते हैं। उसी के ऊपर मैं भी आने वाली हूँ। आपके जो मेटाजोआ हैं उसके अंदर से स्टोर्स से जिसमें आपके टीनिया, आज तो सब बच्चों ने बहुत अच्छी, हमारे टीनिया हैं, टीनिया सेजिनेटा है, टीनिया सोडियम है, बेसिकली टेपवर्म है, एक एनकोफोसाइलोसिस है जो हेरेडिटरी डिजीज करवाता था, डायफाइलोबोथ्रियम लेटम है, इसको फिश टेपवर्म भी कहते हैं। देन वी हैव फ्रॉम सिस्टोड्स वी मूव टू ट्रिमाटोड्स, जहाँ पे हमने मेनली शिस्टोसोमियसिस पढ़ी, शिस्टोसोम्स पढ़े, और वी रियलाइज व्हाट इज द डिफरेंस इन द होस्ट एंड द सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स टूडे वी हैव टू स्टार्ट आवर मेजर ग्रुप ऑफ नेमाटोड्स, द राउंड वर्म्स। ठीक है जी, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन जिसमें अभी हम अपने आज के लेक्चर में अपने नेमाटोड से हम स्टार्ट लेंगे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सो नेमाटोड्स जो हैं वो होते क्या हैं? जनरली मल्टी सेलुलर पैरासेलुलर पैरासाइट्स, उसके अंदर नेमाटोड एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वास्ट डोमेन दैट अपीयर्स राउंड इन क्रॉस सेक्शन। इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। दे हैव अ टेपर्ड सिलेंड्रिकल बॉडी। आमतौर पे वर्म्स का जो कॉन्सेप्ट या जो इमेज हमारे दिमाग में आता है वो बेसिकली जो है नेमाटोड्स उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। अगर हम उसको अपनी इमेजिनेशन से अगर मैच करके देखना चाहते हैं, राउंड वर्म्स, टेपर्ड सिलेंड्रिकल बॉडी जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होती है और डिफरेंशिएटेड सेक्स होती हैं, दे कैन कॉज यूजुअली डिजीजेस रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स एंड स्किन। देन अगेन ट्रेमाटोड्स पढ़े थे, उनमें हमने डिस्कस की थी थ्री बेसिक मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, the egg, the larvae and the adult forms. हमें पता है अब हम बहुत सारे cycles जो हैं उनको revise कर चुके हैं। We all know that adult worms will produce the eggs. Eggs जो हैं they will be hatched and larvae will come out. And then larvae differentiate into adult worms again and the cycle continues. टोल्ड यू प्रीवियसली जब हम अपने सिस्टोर्स और ट्रिमाटोड्स कर रहे थे तो हमने देखा था कि शिस्टोसोम्स के अलावा रेस्ट ऑल ऑफ देम वर हर्मेफ्रोडाइट्स, हर्मेफ्रोडाइट्स यूनिसे एक ही वर्म के अंदर वी हैड बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। सो वहाँ पर जो सेक्सेस थी वर्म्स की वो डिफाइंड नहीं थी, दे वर नॉट डिफाइंड, जब सवाय द ओनली एक्सेप्शन वाज शिस्टोसोमा। ठीक है जी, नेमाटोड्स में सभी हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास दे आर वेल डिफाइंड सेक्सुअली इनटू मेल एंड फीमेल फॉर्म्स, और उसमें जनरली जो है फीमेल वर्म्स दे आर लार्जर बिगर इन साइज अनलाइक ह्यूमन, जहाँ पर आपके मेल्स जो हैं दे हैव मोर यू नो हैवियर स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली मैसिव मसल्स, द मेल्स आर मोर मस्कुलर एंड दे हैव अ ह्यूज बिल्ट एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स आर कंसिडर्ड सिंफ एंड नाजुक, रिमेंबर, बट वर्म्स में इट्स ऑपोजिट। नेमाटोड्स में हम देख रहे हैं द फीमेल वर्म्स आर लार्जर and the males are smaller and they have a coiled tail also. Abhi hum kuch one by one jab hum apne nematodes bhi discuss karenge then we will go through certain morphological morphology related slides and I will show you the pictures as well. Reproductive systems, as we discussed earlier, proper male or female worms hain to obviously they have a complete reproductive system. Then body is cylindrical, esophagus se leke anus tak they have a complete digestive tract
This is again a feature which is particularly seen only in nematodes, roundworms, जबकि ट्रिमाटोड्स और सिस्टोड्स में जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे प्लेटीहेलमिंथस उनमें हमने ये फीचर्स नहीं देखे। अगेन यहाँ पर एज यू कैन ऑल सी, अच्छा ये जब हम बार बार अभी तक आपने जितने भी वर्म्स पढ़े हैं तो ये स्लाइड आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए। इसको इस तरह से आपको बहुत दफा बताया यहाँ पर कि यहाँ पर साइकिल जो इट स्टार्ट्स विद द एग्स दैट देन द एग्स वुड हैश, लार्वी विल कम आउट एंड द लार्वी विल मेच्योर एंड दे विल बी देन डिफरेंशिएटेड इनटू एडल्ट वर्म्स। इन दिस केस दे विल बी प्रॉपर एंड इक्विप्ड विद अ प्रॉपर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम बार बार इसमें एम्फेसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पहले लेक्चर में जब आपको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के डिफरेंसेस बताए थे तो आपको याद होगा, या अगर नहीं याद तो आज आप उसको दोबारा रिफ्रेश कर लें अपनी मेमोरी में कि प्रोटोजोआ में आपके एग्स, लार्वी और एडल्ट वर्म्स का साइकिल नहीं होता। वहां पर वी हैव ट्रोपोजॉइड्स एंड सिस्ट स्टेजेस। वहां पर हमारी टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, द सिस्ट एंड द ट्रोफोजॉइड फॉर्म्स। तो ट्रोफोजॉइड फॉर्म एक अमीबॉइड शेप कॉज करवा रही होती है, पैथोजेनेसिस मेनली उसकी वजह से होती है, जबकि जो सिस्ट होती है वो तब बनती है जब कंडीशंस आर अनफेवरेबल, द ऑर्गेनिज्म स्टिल वांट्स टू सर्वाइव तो अपने आप को इंक्लोज कर लेगा सिस्ट में सो दैट इट कैन बी शेड ऑफ इन द ऑन टू द नेक्स्ट होस्ट और द नेक्स्ट विक्टिम सो दैट द सिस्ट विल ब्रेक एंड ऑब्वियसली द ट्रोफोसाइट विल कम आउट अगेन टू कॉज डिजीज इन द होस्ट सेल, राइट। तो वो जो साइकिल है वहां पर रिपीटेडली जब हम यहाँ जिक्र करते हैं कि एग्स हैं, लार्वी हैं और एडल्ट वर्म्स हैं, हेयर वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम प्रोटोजोआ, जहां पर हमारे पास जो लाइफ साइकिल है उसमें ये एडल्ट फॉर्म्स की, वहां पर हमारे पास जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं दे आर डिफरेंट। वहां पर हमें सिस्ट और ट्रोफोजाइट फॉर्म्स नजर आएंगी एंड एज आई टोल्ड, आई रिपीट अगेन एज आई टोल्ड अर्लियर एज वेल, कि जो सिस्ट फॉर्म होती है मेनली वो ट्रांसमिशन में रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। और जो आपकी ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है दैट इज द फॉर्म जो बेसिकली जिसमें वो पैरासाइट प्रोटोजोआ कन्वर्ट होता है व्हेन इट हैज टू प्रोपिएट फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक इन बॉडी, तो वहां पर वो फिर एक्टिव हो जाता है देन इट इज द मोटाइल फॉर्म एंड इट इज अ फीडिंग फॉर्म एंड इट देन हार्म इन बॉडी एज वेल एंड सो द साइकिल कंटिन्यू। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सम पैरासाइट्स द लार्वी आर इन्फेक्शियस एंड इन सम ऑफ द पैरासाइट्स वी हैड सीन दैट दे डिफरेंशिएट बिकॉज़ मैंने बहुत दफा रिपीट किया था कि हमारे कौन से वर्म्स हैं अमंग सिस्टोड्स और ट्रीमाटोड्स, और अभी इवन फैक्ट आज जब हम अपने नीमाटोड्स भी पढ़ेंगे तो वी विल सी दैट नॉट ऑल ऑफ द वर्म्स हैव इन्फेक्शियस लार्वी और एग्स। कुछ में लार्वी पे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और इन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, और कुछ में एग्स आर इन्फेक्टेड एंड देन दे कॉज डिजीज, जैसे कि सिस्टिसरकोसिस में हमने देखा था कि इन्फेक्टेड एग्स जो हैं वो डायरेक्टली दे कैन कॉज डिजीज। एंड इसी तरह वी हैड सीन इन इन्फेक्टेड एग्स जो हैं व्हेन दे आर ट्रांसमिटेड दे कैन कॉज इन्फेक्शन। मेडिकली जी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज इज लॉन्ग लिस्ट, बट हम मेड जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पर समराइज करके आपको आज मैं कोशिश करूंगी कि नामों को इतनी दफा हम रिपीट कर लें कि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं। ऑब्वियसली अभी दिन आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ये सब नाम याद हो जाएंगे, इट टेक्स अ वाइल, बट आज थोड़ी थोड़ी इनसे दोस्ती करते हैं और जब हम इन्हें वन बाय वन कवर करेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है फर्दर
ग्रीन फोर्स होते जाएंगे, इनके नाम भी और इनके लाइफ साइकिल्स भी. सो वी बिगिन विद द इंटेस्टिनल नेमाटोड्स, जो मेनली इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, और उसमें एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस इज द फर्स्ट नेम. इसको आम जुबान में हम पिन वर्म भी कहते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू, ये स्लाइड वॉज ऑलरेडी अ बिजी स्लाइड, तो मैं इसको ज्यादा क्राउडेड नहीं करूंगी, बट आई विल टेल यू इनके कॉमन नाम अभी भी और बाद में भी आने वाली स्लाइड्स में. इनको इनके कॉमन नामों से बुलाया जाता है, और वो नाम क्या है आई विल कीप रिपीटिंग देम. पिन वर्म आपको नाम से पता चल रहा होगा कि उसकी शेप जो है इट्स लाइक अ पिन, बिल्कुल वो थिन एजेस होंगे उसकी. एस्केरीज लम्ब्रिकॉइडस, ये आम जबान में इसको राउंड वर्म ही कहा जाता है. जब हम आम नॉर्मल कॉमन उसका नाम ले रहे होते हैं, तो जो राउंड वर्म होता है उसमें ज्यादातर हम एक्चुअली वी आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स एस्केरीज, एस्केरीज लम्ब्रिकॉइडस. थर्ड इज चीज हुक वर्म्स. हुक वर्म्स हमारे पास दो तरह के हैं, न्यू वर्ल्ड हुक वर्म और ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म. न्यू वर्ल्ड से मुराद अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स ऑफ अमेरिका है. हमारा वर्ल्ड है जो एशियन साइड है, यहाँ पर हम निकेटर अमेरिकेनस के नाम से इसको ज्यादा जानते हैं. दो टाइप्स हैं, बोथ हैव सेम लाइफ साइकिल्स, बोथ आर यू नो हैव सेम क्लिनिकल फीचर्स. इट्स जस्ट दैट वन इज मोर यू नो प्रेवलेंट इन द न्यू वर्ल्ड देन काइलोस्ट्रोमा ड्यूडीनेल, एंड द अदर इज मोर प्रेवलेंट इन आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड. देन देयर इज ट्रिश्यूरा. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आज आप नामों की प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो फेमिलियरिटी है, जैसे शुरू के कुछ लेक्चर्स में स्टोर्स में आई स्टिल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. ऑब्वियसली बच्चे जो हैं ना, लाइफ साइकिल पे ध्यान उनका जा ही नहीं रहा होता बिकॉज वो नामों में उलझे हुए होते हैं. सो आई होप कि अब यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होगा. आई एश्योर यू कि आई कीप रिपीटिंग, आपने स्टोर्स की तरह यहाँ पे डरना नहीं है. इतनी दफा रिपीट करूंगी कि आपको इंशाल्लाह नाम याद हो जाएंगे. सो अब हम मेनली फोकस करेंगे आगे फर्दर उनके लाइफ साइकिल्स के ऊपर. फिशरस ट्रिश्यूरा है, देन ट्राइकिनेला स्पायरालिस है, स्ट्रोंगिलॉइडस टर्कोरालिस है, इसको थ्रेड वर्म भी कहते हैं. देन देयर आर टिश्यू वर्म्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल. यू कैन सी टिश्यू वर्म्स और फाइलेरियल वर्म्स. फाइलेरियल वर्म्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, हम देखेंगे कि इनके जो बेसिकली जो यू विल सी के दे आर बॉर्न एज दीज फाइलेरिया, फाइलेरियल वर्म्स, लिविंग वर्म्स की तरह ही ये बॉर्न होते हैं. सो इनको फाइलेरियल वर्म्स कहते हैं. व्हेन वी विल डिस्कस देम आई विल डिस्कस दैट फीचर इन डिटेल आल्सो. इसमें लिम्फेटिक होते हैं और जो क्यूटेनियस हो सकते हैं. लिम्फेटिक दैट स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम मेनली, एंड दे इफेक्ट द लिम्फेटिक्स मेनली बुशरेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड बुर्जिया मलाया. कुटेनियस में हमारे पास रेकनकुलस मेडिनेंसिस है, लोआ लोआ है, और ऑनको सरका वॉल्व्यूलस है. आई विल रिपीट द टिश्यू वर्म, टिश्यू फाइलेरियल वर्म्स, नीमाटोड्स, लिम्फेटिक्स में वो शरेरिया बेनक्रॉफ्टी, इसको डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी भी कहा जाता है. एंड देन एलिफेंटियसिस होती है जी, जो डिजीज इससे होगी एक्चुअली. देन बर्जिया मेलाई इज अनदर लिम्फेटिक फाइलेरी. कुटेनियस के अंदर जो स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन कॉज करेंगे उसमें हमारे पास रेकनकुलस मेडिनेंसिस है, एंड देन लोआ लोआ है, एंड देन ऑनकोसरका वॉल्व्यूलस है. सो ये तो थे उनके नाम, जिसमें आपने इंटेस्टिनल नेमाटोड्स में देखा एंट्रोबियस एस्केरीज साइलोस्ट्रोमा निकेटर वर द हुक वर्म्स फिशरस ट्राइकिनेला स्ट्रोंगिलॉइडेस. टिश्यू में आपने देखा कि लिम्फेटिक और कुटेनियस टाइप्स हैं. अब इनके ब्रॉडली जो हैं, हम थोड़े से डिफरेंसेस इनको शुरू इंडिविजुअली हम इनको वन बाय वन हम कवर करेंगे, बट उससे पहले हम ब्रॉडली ब्रॉडली देख लेंगे कि इसमें मेनली डिफरेंसेस जो हैं इन दो, बिकॉज आई डिवाइडेड देम इनटू टू इंटेस्टिनल और टिश्यू, तो टेबुलेटेड फॉर्म में आपको जिस तरह दिखाया, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट. और उसमें हम देख लेंगे कि बेसिकली कौन से मेन डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग प्लेस कर देते हैं. तो जो हमारे इंटेस्टिनल नीमाटोड्स हैं वो मेनली दे आर ट्रांसमिटेड एज लार्वी फॉर्म. ठीक है, बट एज यू कैन सी फॉलो द एरोज, जो हमारे फर्स्ट थ्री नेम यहाँ पे एंट्रोबियस द पिन वर्म, फ्रिशरस जो विप वर्म आएगा, एंड एस्केरीज, दे आर ट्रांसमिटेड बाय
बाय इंजेशन ऑफ एग्स, ठीक है। सो इन एग्स जो है दे आर इन्फेक्टिव एंड दे विल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। रूट का फिको ओरल ही है बट यहाँ पर जस्ट हो रहे हैं। द अदर्स आर ट्रांसमिटेड एज लार्वी, और लार्वी हम देखेंगे कि कैसे वो स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू जो है कुछ केसेस में जाएंगे और कुछ केसेस में वो फीको ओरल रूट के थ्रू अफेक्ट करेंगे। देन जबकि वो शरेरिया वेन उनको सरका लोआ दे आर ऑल कॉल्ड द फाइलेरियल वर्म्स। यहाँ पर हम अमीना, सी दैट दे आर बॉर्न एज वर्म्स, राइट। सो वहाँ पर आपको जो है एग्स नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आपको वर्म्स देखने को मिलेंगे। देन हेयर द लार्वी दे आर रेप्टिडिफॉर्म लार्वी एंड फाइलेरिफॉर्म लार्वी। रेप्टिडिफॉर्म जो है बेसिकली जो लार्वी की स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेजेस जो फीडिंग स्टेजेस होती हैं नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, इनको रेप्टिडिफॉर्म कहते हैं। लेटर ऑन जो फाइलेरिफॉर्म लार्वी होती हैं, दीज आर द इन्फेक्शियस नॉन फीडिंग फॉर्म। तो यहाँ पर जो है मेनली जो ट्रांसमिशन है वो इनके थ्रू हो रही होगी। और इन्फेक्शियस जो लार्वी हैं फाइलेरिफॉर्म लार्वी होते हैं। जो टिश्यू नीमाटोड्स हैं दे आर मेनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू वेक्टर्स, राइट। दे कैन बी मॉस्किटोज, दे कैन बी फ्लाइज, स्वाई ड्रैगनफ्लाइज। एक ऐसा है इन्फेक्शन जिसमें मेनली फीकोरल रूट पानी के थ्रू जो है तो जो लार्वी होते हैं दे मेक देयर वे फ्रेश कोकवॉर्ड्स जो क्रस्टेशियंस होते हैं ये उनकी बॉडी में रहते हैं। देन दे आर इंजेस्टेड विद ड्रिंकिंग वाटर, जो अनफिल्टर्ड वाटर, अगर फ्रेश वाटर सोर्सेज से अगर पानी पिया जाए तो वहाँ पे ड्रग एनकलर्स हो सकते हैं। अदरवाइज मेनली जो है दे आर ट्रांसमिटेड वाया वेक्टर्स लाइक मस्कीटोज हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकती हैं। सो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड राइट। जो आपके जो इंटेस्टिनल नेमाटोड्स हैं एक्सेप्ट फॉर स्ट्रोंगिलाइटिस मेनली दे लिव इन द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रोंगिलाइटिस टर्कोरालिस जो है वी विल सी दैट इट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द सॉइल। तो अपना एक साइकिल, दिस इज द ओनली पैरासाइट जो कि इन विदाउट एनी ह्यूमन होस्ट ये सॉइल में अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर लेगा एंड इट विल नॉट यू नो इट डजंट नीड अ ह्यूमन होस्ट एक्चुअली टू कंप्लीट इट्स के अंदर इसके आने से पहले। हमने इनकी जनरल जो फीचर्स थे वो हमने देख लिए मेनली दीज ऑर्गेनिजम्स रिमोटली। केरीज लंबिकॉइडिस कॉमनली इसको जाइंट इंटेस्टिनल राउंड वर्म भी कहा जाता है। सिंपल राउंड वर्म के नाम से भी जब हम जिक्र कर रहे होते हैं तो वी आर मेनली पॉइंटिंग एट एस्केरीज वर्म। इन्फेक्टिव स्टेज इसकी एम्ब्रियोनेटेड एग्स एज आई टोल्ड अर्लियर कि एस्केरीज एंट्रोबियस और ट्रिशरस। ये तीन ऐसे हमारे पास नीमाटोड्स हैं जिनमें इट इज बेसिकली द एग्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, राइट। Habitat is small intestine. Transmission is fecal, contaminated. If the food or water body is contaminated with the embryonated eggs, so obviously the infection is going to pass on from the environment to the human host. Obviously, specimen since it's fecally transmitted or it is in the intestine. It can be diagnosis can be done through collection of stool specimen and obviously the respective eggs can be seen in the feces. यहाँ पर आपको एरीज है commonly as I told you it's called large intestinal roundworm or simple roundworm of man. It causes ascariasis or roundworm infection commonly कहते हैं। मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल हेलमेंटेड इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम ऑफ दे प्ले आउटडोर्स एंड देयर इज प्रॉब्लम ऑफ हैंड हाइजीन। सो इट इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन मेनली। इट्स एंडेमिक इन द ट्रॉपिक्स एंड ह्यूमंस आर द ओनली होस्ट। रिस्क इन्फेक्टर्स इट एग्जिस्ट वेयर एवर फीकल डिस्पोजल इज इम प्रॉपर। सो
दैट्स व्हाई लाइक सिंस द रूट इज अगेन द रूट डिफाइंस इट ऑल. आपका फिकोरल रूट है, सो जहाँ पर भी ओपन डिफिकेशन हो रही होगी, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस नहीं हो रही होगी, देयर इज फियर और चांस दैट द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड, राइट. दिस इज द एडल्ट वर्म. यू कैन सी कलेक्शन ऑफ वर्म्स हियर. दीज आर मल्टीपल एडल्ट वर्म्स. So again, up to the female is slightly longer in size, about 22 to 35 centimeter. The male one is a little smaller, 30 centimeter. And as you see, if you follow the arrows, the female is not only longer, it is also different from the male, that the male has a coiled end, you know, structure. So they both can be visibly differentiated. These are the multiple stages of eggs that can be seen. The scaly eggs mein bile stained honge. They are tri-layered eggs, oval in shape, irregular surface like knobs, scallops ya knobs jo hote hain, not typical scallop edge of a scaly egg. So jab bhi aapko scenario diya jayega aur aapko bataya jayega layer, especially scallop edges or knobby surface, then obviously we are talking about the eggs of scalies. And another feature that helps in identification of fertilized eggs that is that they have an uneven mucopolysaccharide coat. So they can be jahan pe smooth surface hai, not here, but jahan pe hum apas rough uneven si mucopolysaccharide coat ki surface aa jayegi. Coming to the okay. So about today we have 125 participants. I guess it is time we it is time where before we start the life cycle of Ascaris. We will run our poll. ठीक है जी? Are you all with me? I'm going to launch the poll. आज का जो question है हमारा, अब now since half of the lecture you know is covered and the strength is 126 participants right now, so I'll add a question here and I will launch the poll.
जी यू कैन सी इट नाउ। वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव पार्टिसिपेंट्स, 50 प्लस हैव वोटेड टिल नाउ। नीमा टोड्स है जी, स्पेलिंग में टोड्स आएगा, TODES। एक मिनट हो गया है जी। डोज हुआ स्लीपिंग फॉल्स है, क्या आपकी स्कोरिंग नहीं हो रही? I just want to see how much present with human beings के जो worms हैं, being male and female they are a bit different from each other. आए हैं वो तकरीबन half half आए हैं, half 49% जो है students उन्होंने कहा this is true, 53% ने कहा it is false. इसका मतलब है 53% जो हैं बच्चे वो बात सुन रहे थे, lecture सुन रहे थे। 49% जो है बच्चे, आई विल नॉट टेक योर नेम्स, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि इट इज़ नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट, इट इज़ अ वे ऑफ फॉर मी ऑल्सो के बेसिकली जो है आप लोगों को कैसे कैसे जगाया करना है, ठीक है, ये मेरे लिए है बेसिकली कि कितने बच्चे मेरे पास अभी लेक्चर में मौजूद है और सो रहे हैं, ठीक है। 53% ने बात सुनी थी और बात बड़ी ही बेसिकली, सो आई रिपीट हेयर, आपको नामों से लेके उनके छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं बेटा, एवरीथिंग इज देयर इन बुक, राइट। कुछ ऐसा नहीं है जो किताब में नहीं होगा, बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो हम आपको शायद अदर देन बुक, बिकॉज ऑब्वियसली आपको ईच एंड एवरी इंटरनेट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ें रिपीटेडली बताने का मकसद ये होता है, तो दैट यू नो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वॉट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लेवल, अंडरस्टैंड लेवल पे आपने किस हद तक डिटेल में जाना है और किस हद तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से आपने अपने से रेलिवेंट कुछ इंफॉर्मेशन जो है स्पेशली कि यू नो फीचर्स और डिफरेंसेस लेक्चर्स के अंदर जो आपको बताए जाते हैं, मेनली वो डिफरेंसेस को हाईलाइट किया जाता है। आपको लाइफ साइकिल आई नो कि एक दिन में पूरा आपको मैं याद नहीं करवा सकूंगी, लेकिन उसको रिपीट करने से एक बार ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप जब आप हमारे साथ कवर करते हैं और जब बाद में आप अकेले कवर करते हैं, तो देर आर चांसेस कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होती है जो फिर आपको आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होने दे रही होती है, या मेमोराइजेशन भी बार बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। आप अपने टेक होम पॉइंट्स नोट कर लिया करें। एनी वे, अब यहाँ पर जो है इसको आप, इस मेल वर्म्स और फीमेल वर्म्स की जब बात हो रही थी, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने जो पहले पढ़े थे देवर हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है, जबकि नीमाटोड्स जो हैं यहाँ पर हमें वी नो दैट नीमाटोड्स हेयर दे हैव सेपरेट सेक्सेस, मेल और फीमेल वर्म्स दोनों हैं। अब मेनली जो है जब दोनों आ गए तो उनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है विच इज़ इंटरेस्टिंगली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन में मेल वर्म्स जो हैं, मेल वर्म्स सॉरी ह्यूमन्स में द मेल ह्यूमन्स are obviously they generally height or build, BMR overall, body weight, body heights, males में ज़्यादा होती है, right? जबकि यहाँ पर worms में हम देख रहे हैं the female worm is larger, right? And the male worm is relatively smaller, ठीक है? तो ये question आपको उल्टा पूछा गया था, जिन्होंने false कहा उनका answer correct, ठीक है? So a human being, नेमाटोड्स हैं जो वर्म्स हैं हमारे यहाँ पे, इनमें फीमेल दे आर लार्जर इन साइज। तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के एस्केरियसिस के टॉपिक के ऊपर दोबारा। शेयर द स्लाइड जिसके ऊपर हमने पॉज किया था। So again, this is a busy slide, as you can all see. यहाँ पर अब हम basically किसी
अगर हम पीछे कंपैरिजन में जाएं तो ये आपको रिलेटिवली थोड़ा सा साइकिल इसका सिंपल लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि अभी इस वक्त सिंपल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक दफा गो थ्रू कर लेंगे, देन यू विल रियलाइज कि आपने जो सिस्टोर्स और प्रीमाटोर्स के लाइफ साइकिल्स किए थे वो थोड़े से कॉम इंटरमीडिएट होस्ट। रिमेम्बर आज तो आपने टेस्ट भी दिया है, तो अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके मेरे से ज्यादा अच्छे होंगे इस वक्त, तो ज्यादा फ्रेश होगा आपके दिमाग में इस वक्त सारे क्वेश्चंस। कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल भी टेस्ट के बाद भी मुझे भेजे, और जिससे पता चलता है कि बच्चे अच्छी तरह से जब पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो टीचर से भी आगे निकल सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस बना, ये कि टीचर्स को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है राइट, कि अच्छा आपने कुछ चीजें कराई बताई और बच्चों ने उनको समझा भी और फिर उनको इम्प्रूव भी किया। साथ में एक तसल्ली भी हो जाती है कि बच्चों की तैयारी हो रही है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक हमारी मोटिवेशन और एक ये आपकी एग्जाम की फिक्र हमें रहती है कि बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली इट इज अ डिफिकल्ट टाइम, हम उस तरह से आपको देख नहीं सकते हैं, इट्स फिजिकल में इट्स डिफरेंट, वी कैन वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये कि यहाँ पर पोल्स रन करके थोड़ा सा ऑब्वियस आइडिया हो जाता है, लेकिन बच्चों के सवाल जब बाद में आते हैं तो उससे बहुत अच्छा जो है आपको एक फीडबैक मिल जाता है कि आपको फर्दर जो है किन एरियाज पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इधर, हियर ये आपका जी दिस इज द ह्यूमन होस्ट। ठीक है, एक ही होस्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये दिस इज द ह्यूमन होस्ट, ह्यूमन बॉडी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वर्म्स जो हैं हमारे मौजूद हैं, राइट? सो वर्म्स आर देयर, दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल वर्म। एज यू कैन सी द फीमेल इज लार्जर, मेल इज रिलेटिवली स्मॉलर अगेन, और यहाँ पर ये कॉइल्ड उसका जो है एजेस यू कैन ऑल्सो सी दैट, और द स्मॉल डी हेयर ट्राइंगल में एज आई टोल्ड यू सी डी सी की जो हमारी ज्यादातर जो फिगर्स हैं उनमें है कि कौन सी हमारे लिए मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ हैं जो इन्फेक्शियस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी, राइट? तो अगर हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की दोनों तरफ देखें तो एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे एडल्ट वर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, और इधर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे वो आपको एग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर जो एग है यू कैन सी के वो एम्ब्रियोनेटेड एग, एज आई टोल्ड अर्लियर कि वो वहाँ पर एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, दे आर इन्फेक्टिव। ठीक है, एस्केरीज में, एंट्रोबियस में और ट्रिशरस में, दीज आर द थ्री वर्म्स जहाँ पर डायरेक्ट जो एग्स हैं दे आर इन्फेक्टेड एम्ब्रियोनेटेड एग्स, राइट? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए जो हमारा नंबर है विच इज टेलिंग यू कि दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज जो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो रही है, राइट? एक बार बॉडी में एंटर हो गए तो ऑब्वियसली दीज एग्स विल हैच, रूटीन लाइफ साइकिल आपके माइंड में आ जाना चाहिए, लार्वी विल कम आउट, दे विल ग्रो इंटेस्टाइन में जाके, दे विल बी मैच्योर एंड ग्रो इन टू एडल्ट मेल एंड फीमेल फॉर्म्स, विच विल अगेन यू नो ले एग्स इन द फीसेस, और वहाँ पर जो है देन देर विल बी अ टू सेल स्टेज, देन देर मल्टीपल सेल स्टेज, और फाइनली आपके जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं दे आर रेडी टू बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन होस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर जो है यू कैन सी कि आपकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म है वो एग्स की फॉर्म है, और डायग्नोस्टिक्स जो है यहाँ पे दो हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स। एक आप एडल्ट वर्म डायरेक्ट एनवायरमेंट में हम देख सकते हैं कि इट कैन बी एक्सपेल्ड इन द एनवायरमेंट, एंड देन यू कैन राउंड वर्म्स, जैसे भी मैंने पिक्चर में भी देखा था पहले मल्टीपल राउंड वर्म्स का एक बंच था जो मैंने आपको भी दिखाया था, आई विल रिपीट द स्लाइड अगेन, सो दैट वे इट कैन बी सीन डायरेक्टली, वी कैन सी द वर्म यू नो इन द फीसेस, एंड और वी कैन सी दीज एग्स हियर, ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग्स हमने एक कोट सा होता है, अनइवन सी सरफेस होती है, सो दैट कैन ऑल्सो बी सीन, सो द फर्टाइल एग्स एम्ब्रियोनेट एंड बिकम इन्फेक्टिव, एंड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन उनको जो है दे हाउ डू दे सर्वाइव, ऑप्टिमम मॉइस्ट वार्म एनवायरमेंट में जो है, इसीलिए हमने कहा था कि ट्रॉपिक्स में जो है ये ज़्यादा
कॉमन होता है इन्फेक्शन. जस्ट अ सेकेंड, आई ओके. दिस इज मॉइस्ट वार्म शेडेड सॉइल एनवायरनमेंट. इन्फेक्टेड स्टेट जो है फुली एम्ब्रियोनेटेड. आई टोल्ड यू देर आर टू स्टेजेस. So after infective eggs are swallowed, the larvae they hatch in the lumen of small intestine and they penetrate the intestinal wall. ठीक है जी. अब यहाँ से जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा जो हम इंटरसाइज जस्ट अ सेकेंड. अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर एक पिंक बॉक्स है जो इसको हम यहाँ पर स्लाइड्स में मूव कर रहे हैं. ठीक है जी. लाइफ साइकिल में हम यहाँ पर जो देख रहे हैं इधर वी कैन सी दैट वी हैव दिस पिंक बॉक्स विल मूव विद ईच स्लाइड. तो यहाँ पर हमने देखा कि एनवायरनमेंट में जो है द फर्टिलाइज्ड एग्स वर देयर. ठीक है. एंड दिस पिंक बॉक्स इज शोइंग स्टेप 2 to 3 यहाँ पर. ठीक है जी. ये दिस इज नंबर 3. टू स्टेप पे क्या था कि आपके जो एनवायरनमेंट में जो एग्स थे फर्टिलाइज्ड एग्स थे दे वर लेड इन द एनवायरनमेंट एंड दे वर रेडी टू एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है. एंड यहाँ पर इधर द फुली एम्ब्रियोनेटेड विद सेकेंड स्टेज लार्वी या रेप्टिटीफॉर्म लार्वी जिसके अंदर होता है. टोल्ड यू इट इज अ फीडिंग स्टेज नॉन इन्फेक्शियस फीडिंग स्टेज राइट. नंबर 3 पे यहाँ पर आप फोकस करेंगे. द पिंक बॉक्स इज एट नंबर 3. एरो इज इन साइड द पिंक बॉक्स नाउ एंड इट इज पॉइंटिंग एट द फुली एम्ब्रियोनेटेड एग विच हैज दिस सेकेंड स्टेज लार्वी और रेप्टिटीफॉर्म लार्वी इन द एग. ठीक है. जो इसके अंदर क्लोज है बेसिकली. Then these eggs are there, they are ingested by the human body and we move to the next step. Yahan par these eggs are swallowed yahan par and then the larvae will hatch. Ab ye kaun se larvae honge, humne baat ki thi there were two types, reptiliform aur phylariform larvae. Theek hai ji. Which are the infectious but non feeding forms. So, lumen of small intestine and they penetrate obviously pe number 4 or 5 jo steps hain aapke and they penetrate the intestinal wall. ab ye yahan par is waqt larvae is not growing into adult form. here yahan par ab cycle ko hum cut karenge. theek hai. aapko jab maine first explain kiya tha it was a little summary ki kaise aapke larvae jo hain they will hatch and they will grow into adult worms. lekin ye first cycle mein hi aisa nahi hoga. In the first cycle, the larvae they have in the lumen of small intestine, and these larvae come out of the intestines directly. यहाँ पर ये they will not grow into the adult worm. ठीक है. यहाँ पर what will they do is that they enter through the portal circulation. They will you know pass through the liver, and they will reach to the heart. From there, they will circulate through the pulmonary vessels. As you can see this box here, which is showing step number 6. सो वहाँ पे क्या होगा वेयर दे फ्रॉम द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड दे एंटर द एयर सैक्स द एल्वियोलाई एंड असेंड द ब्रोंकियल ट्री. यू सी दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस. अभी तक हमने ऐसे नहीं देखा था. पीछे हम देख रहे थे कि जब एक बार इंटेस्टाइन्स में लार्वी आ जाते हैं दे हैच वंस दे आर हैच्ड आउट ऑफ द एग्स दे रीच द इंटेस्टाइन एंड दे ग्रो इनटू एडल्ट वर्म्स. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर व्हेन वंस दे हैव hatched in the intestine they are there they will cross the intestinal wall they will enter the portal circulation and then he and from there through the lungs they will be entering the air sacs. is sari transmission ko hum kehte hain heart to lung transmission ya heart to lung migration. so yahan par jo hai ab aur bhi kuch nematodes ke bhi hum cycles se jab hum one by one unko go through karenge you will see ke kuch aise nematode roundworms aur bhi hain jinme we see heart to lung migration.
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. आपको फिगर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर. दैट वे दिस साइकिल वॉज सिंपलर देन द साइकिल ऑफ द सिस्टोड्स. लेकिन जो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर इस लुक एट स्टेप नंबर 6 जहाँ पर लंग्स को शो किया जा रहा है. तो बेसिकली लंग्स यहाँ पर शो करने का मकसद यही है, ये दिखाने का कि इंटेस्टाइन से जो है डायरेक्टली यहाँ पर वर्म्स में मैच्योर होने की बजाय ये लार्वी ट्रेवल करेंगे इन द पोर्टल सर्कुलेशन एंड दे विल पास थ्रू द हार्ट लिवर के बाद हार्ट सैक्स. यहाँ से ये असेंट करेंगे अपवर्ड्स टूवर्ड्स द ब्रोंकियल ट्री. ठीक है, एंड दे विल बी ईदर कफ्ड आउट और सॉलोड. ठीक है, लंग्स के अंदर इनके अंदर थोड़ी चेंजेस आएंगी पास करते हुए. दे विल अंडर गो मोल्टिंग बिफोर माइग्रेटिंग टू द लैरिंग्स ऊपर जाने से पहले. एक बार जब ऊपर लैरिंग्स की तरफ पुश हो जाएंगे टूवर्ड्स फेरिंग्स तो दे कैन बी सॉलोड. इधर दे कैन बी कफ्ड आउट और दे कैन बी सॉलोड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड दे आर सॉलोड अगेन. नाउ फॉलो दिस. अब आपने सॉलो कर लिए दोबारा एंड जरा सा कफ आउट होता है. आप पेशेंट जो है या जो होस्ट है बाय उसको सॉलो करेगा और बाय डूइंग सो बाय सॉलिंग द सलाइवा और समथिंग इट द वर्म विल आल्सो यू नो बी पास्ड ऑन. द लार्वी विल बी अगेन यू नो एंटरिंग द दिस इज द सेकंड टाइम नाउ. इट इज नाउ अगेन एंटरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस टाइम द लार्वी विल देन डिवेलप इन टू and it takes about 2 to 3 months from ingestion of the infective eggs to oviposition by the adult female. Adult worms can live up to 1 to 2 years. ठीक है जी, but उसका बनने का जो cycle it is not a single cycle or single you know passage through the small intestine. You have seen that it goes step by step through the you know orofecal route. The larvae will end. The eggs will enter the body and in the small intestine these eggs will hatch and the larvae will come out. But right now these larvae are not ready to convert into the adult worms. Right now they enter the portal circulation, they migrate through the lung, heart to lung migration hogi, and this time when they cuffed out and the patient swallows them again, then it is entered in the small intestine for the second time. और जब ये सेकेंड टाइम इंटेस्टाइन में आएगा अब नाउ इट इज एबल टू ग्रो इनटू द हमारे इन्फेक्शन इनको सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स भी कहते हैं. ठीक है, सो एस्केरिस इज वन ऑफ देम. एनवायरनमेंट में जो सबसे की ऑब्वियसली जो कंपोनेंट है दैट कैन बी कंटेमिनेटेड वो सॉइल है और विच कैन देन यू नो पास ऑन द इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. सो इसको सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट भी कहा जाता है. और बेसिकली जो है डिजीज पैथोजेनेसिस उसमें वी विल सी दैट देयर इज अ टिश्यू रिएक्शन टू द इन्वेडिंग लार्वी. देयर विल बी नो इंटेस्टिनल अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर ड्यू टू व्हेन द वर्म माइग्रेट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन्स टू द अदर ऑर्गन्स व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल माइग्रेशन. ठीक है, यूजुअल इन्फेक्शन ऑफ 10 टू 20 वर्म्स मे नॉट कॉज सिम्टम्स. सो we have a lot of you know there's a bunch of multiple worms that are there and unless they are in very big number they will not cause much harm. Right, the tissue reaction kis tarah ho rahe wo to obviously jahan jahan you can see there's a lot of exposure. Isliye Escherichia ke infections mein large amount eosinophilia a huge you know a remarkable eosinophilia is observed. A lot of you know blood cells they are exposed while you know the larvae are invading through multiple tissues and systems. So eosinophilia is remarkable in case of Escherichia infections. ठीक है, and obviously when it is in the intestine it will not only cause local irritation in the intestine, it may also out of the intestines. Like कब कब हो सकता है एस्केरियसिस के अंदर. वी कैन सी दैट देयर इज यू नो यहाँ पर देयर इज इंजेक्शन ऑफ एस्केरीज एग्स फ्रॉम द फीसेस. राइट जी, एंड एज यू सी स्टेप टू में एग्स हैच इन इंटेस्टाइन्स दे बरो थ्रू गट वॉल एंड माइग्रेट. ये वही लाइफ साइकिल है और इसको यहाँ पर अब आपकी पैथोजेनेसिस के साथ कोरिलेट करने के लिए आई हैव प्रेजेंट ट्राई टू यू नो शो इट इन डिफरेंट फॉर्म.
जिसमें आप स्टेजेस के साथ साथ देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, एंड क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो इस डिजीज के एस्केरियसिस के अंदर नजर आ सकते हैं। सो एग इंडेशन हुई एंड देन स्टेप टू एग्जिट हैच, लार्वी विल कम आउट, दे विल बरो थ्रू गट वॉल एंड माइग्रेट टू द लंग्स बाय द ब्लड, हार्ट टू लंग माइग्रेशन हो गई, राइट जी। अब अगर यहाँ पे जीआईटी में अगर हम खाली देखेंगे तो यहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी कि पेरिटोनियम का इन्फेक्शन, लॉट ऑफ अगर लोड अगर बहुत ज्यादा है तो इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द इंटेस्टाइन, पेंक्रियाटाइटिस है अगर पेंक्रियाज इन्वॉल्व हो जाए, अपेंडिसाइटिस है अगर अपेंडिक्स ब्लॉक हो जाए वर्म्स के लोड की वजह से। देन नंबर थ्री में द लार्वी द सेकेंड साइट इज शोन, नंबर टू में आपने इंटेस्टाइन के देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम इंटेस्टाइन के अंदर आ सकती हैं। थर्ड में इफ वी फोकस एट द एल्वियोलाई, वी कैन सी द लार्वी दे ब्रेक इनटू द एल्वियोलाई एंड दे ट्रैवल अप ट्रेकिया वेयर दे आर कफ्ड अप एंड स्वॉलोड। अब नाउ दिस रूट कैन यू नो दिस मीन्स दिस इज रियली शोइंग दैट लंग्स कैन ऑल्सो भी इन्वॉल्व व्हेन द लार्वी आर देयर। ऑब्वियसली इसको हम लॉफलर सिंड्रोम कह देते हैं, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स नजर आते हैं ड्यू टू एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस। देन देयर इज लार्वी यू नो द बेसिकली व्हेन दे लार्वी पास थ्रू द स्टमक इन द इंटेस्टाइन फॉर अ सेकंड टाइम वेयर दे बिकम एडल्ट वर्म्स, ठीक है जी। यहाँ पर भी सेकंड स्टेज टू और फोर, ये नंबर फोर पे आप यू के वी कैन ऑल्सो सी कि जब इतना हैवी एडल्ट वर्म्स का एक लोड आ फीचर्स हैं प्रीडोमिनेंटली इस स्टेज पर जो है नंबर फोर पे, जब ये आपके पास एडल्ट वर्म्स आ गए हैं, दे कैन इवन ग्रो सो बिग दैट दे कैन ऑब्स्ट्रक्ट द इंटेस्टाइन एंड दे कैन ऑब्स्ट्रक्ट द पेंक्रियाज, कॉज द इन्फेक्शन इन द पेंक्रियाज, दे कैन ऑब्स्ट्रक्ट द अपेंडिक्स एंड दे कैन कॉज इन्फ्लेमेशन इन द पेरिटोनियम। सो ऑल दीज जीआईटी एस्केरियसिस रिलेटेड फीचर्स कैन बी सीन मोस्ट लाइकली एट दिस स्टेज when the larvae have finally entered into the intestines for the second time and are now ready to become adult worms, and these adult worms are now able to you know mainly cause these features related to GIT ascariasis, gastrointestinal ascariasis, ठीक है। जो larvae with who were passing through the lungs, they were mainly responsible for pulmonary symptoms, pulmonary problems. The larvae which have now come to the intestine for the second time and are growing into adult worms, so they can grow so big that they can even obstruct the intestine or the small parts of the intestine like appendix, and they can cause multiple, you know, क्या क्या अब abdominal अगर है तो we can have abdominal pain, there can be diarrhea, there can be vomiting, even mild temperature can occur. If the load is too much, if the bugs have obstructed the whole intestine, obviously intestinal obstruction, appendicitis due to appendix obstruction, because it is very narrow lumen organ, so it can be easily obstructed. So then it can also obstruct the bile or pancreatic duct, or हमने देखा कि it can cause pancreatitis also, that can then further interfere with digestion and it can further injure the intestine and cause peritonitis. Obviously, if the infection in the intestines are inflamed, the overlying peritoneum can be inflamed and can cause peritonitis, right? So they produce toxins which irritate the mucous membrane of the gut or prevent digestion of protein by host by destroying an enzyme trypsin. Then the children they will have stunted growth. Obviously, when there's lot of inflammation and indigestion, the nutrients will absorb and the children will have stunted growth, and obviously their mental growth is also affected. And due to the involvement of lungs, there can be you know multiple pneumonia-like features in the lungs that may prove fatal. Once with, because we see that larvae migrate through you know heart to lung transmission, they pass through the lungs and they can cause pneumonia-like symptoms in the patient. Here you can see the infestation is so heavy that the bug is even coming out of the body. Lab diagnosis में this is just to give you a brief idea कि आप किस तरह stool test जो हैं वो कि you know they can multiple techniques, या we don't need to you know these techniques. This is just to give you a you know different flavor के stool test जो हैं वो क्या-क्या direct fecal examination, stool direct जो है stool examination हो सकती है. There can be certain methods. Mainly आपने focus करना है कि आपके जो blood tests हैं जो and then we can see the eggs. ब्लड टेस्ट में सीबीसी जिसमें हम देखेंगे इयोसिनोफिलिया विल बी रिमार्केबल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज द लार्वी पास थ्रू द
you know, multiple tissues. They are exposed to blood cells and specifically parasitic infections के अंदर हमने eosinophils mainly जो है presents, it plays its role due to IgE antibodies. So that roles, if आप immunology जब cover करेंगे, you will see the role of IgE antibody in parasitic cilia. Remarkable eosinophilia will be observed. ELISA के through भी serological test जो है उनके through भी detection की जा सकती है. Then obstruction can be picked through imaging test, X-ray, CT scan या ultrasound के ऊपर जो obstruction है intestines की, they can, that can also be picked. Treatment में again, we don't need to memorize the drug names, we just need to know कि anti-parasitic medicines कौन सी है. Generally वो ही यहाँ पर mebendazole, albendazole या parenteral हम use कर रहे होते हैं, so they can be given. Plus supportive therapy depend करता है कि which organ, which other system has got, you know, involved. In case of pneumonitis, lung में pneumonia like features अगर होंगे तो obviously उसकी supportive therapy will be different according to the signs and symptoms. You might need oxygen therapy, you might need, you know, steroids, you might need for such patients some antibiotics. Sorry, not antibiotics. In addition to antiparasitic infections, for superimposed infections, yes, you may go for those antibiotics. But supportive therapy may, there may be fever, so patient can be given, you know, antipyretics, analgesics, so much so. Surgeries की जा सकती हैं ectopic migrations के लिए. If the adult worm leaves the intestines and settles in certain other visceral organs, obviously for them the surgeries will have to be conducted. Plus intestinal obstruction या appendix ने पढ़ा उसकी obstruction हो सकती है, because appendix बहुत छोटा सा एक structure है, it has a very small narrow lumen, so उसको भी surgically treat किया जा सकता है. Ectopic अगर migrations हैं उनको भी surgically correct किया जा सकता है. Prevention is obviously since the diseases mainly through fecal-oral transmission, so and that is facilitated when you know the human waste is not properly disposed of. So obviously पूरी चीज़ जो है वो गेन जो है मेन प्रिवेंशन जो बनती है वो यही है कि जो वेस्ट डिस्पोजल है वो अप्रोप्रिएटली की जाए, सो दैट द एनवायरनमेंट डज नॉट गेट कंटैमिनेटेड एंड डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड. आज हम स्केरीज तक ही करेंगे जी, और बिकॉज हमारा टाइम लेक्चर का जो है वी हैव ऑलमोस्ट यू नो अवर लेक्चर, लेकिन एस्केरीज के बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट नेमाटोड एंड इट इज स्लाइटली डिफरेंट देन सिस्टोड ऑब्वियसली बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द इंटरमीडिएट होस्ट बट ऑल्सो इन्वॉल्व हार्ट टू लंग ट्रांसमिशन होस्ट, राइट. सो यहाँ पर जो है हम इसको आज कंक्लूड कर देंगे. इफ देर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर. अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है, समझ नहीं आ रही है, ये बहुत ही हमारा बेसिक पहला नेमाटोड था और यहाँ पर हमने साइकिल को पूरी तरह समझने के लिए जो है इसको ब्रेक किया है, डिफरेंसेस इसके हमने देखी हैं, उन पर फोकस किया है सो दैट हमें याद हो सके कि सिस्टोड से कितना डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है और आगे आने वाले नेमाटोड से कैसे डिफरेंट होगा. सब में हार्ट टू लंग माइग्रेशन नहीं होगी, जिन में होगी ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ देम. सो here I conclude the session. If there is any question you can ask here. So apparently there is no question and you all have got the concept very well. So kal ka jo mera khayal hai lecture hai usko shuru hi aaj ke kuch sawalon se karenge. So go through the lecture and if there is any question, any concern, we can discuss that tomorrow in our lecture. Take care ji, Allah Hafiz. Allah Hafiz.